हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे और जितनी बातें मैं आपको इसमें बताऊं वो बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक बात और है कि अगर ये पोर्शन आपको आ जाता है, मीन्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के नॉर्मली जो हम सीखने वाले हैं वो दो तरीके होंगे, ठीक है। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो तरीके से हमने ऐड किया। चलिए इसमें कुछ और भी बातें याद रख लें। सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा उसमें एक रेजिस्टेंस जो होगा वो दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से जुड़ा होता है, और दूसरे रेजिस्टेंस का जो एक एंड होगा वो पहले वाले से जुड़ा होगा और दूसरा एंड जो होगा वो किसी और से जुड़ा होगा। मीन्स अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड कहीं और हो और दूसरा एंड जहाँ हो वहीं पे दूसरे रेजिस्टेंस का एक एंड हो और दूसरा कहीं और हो, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात समझ आई? चलिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि एक रेजिस्टेंस का, हम देखते हैं कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस अगर पैरेलली ऐड हो रहा है या पैरेलली कंबाइन हो रहा है तो दूसरे रेजिस्टेंस का भी एक एंड इस रेजिस्टेंस के एंड से जुड़ा होगा और दूसरा वाला दूसरे एंड से जुड़ा होगा, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए कुछ बात और ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करेंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस होंगे सभी का पोटेंशियल सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो करंट भी सेम होगा। एक बात और यहाँ पे है कि अगर हम पूछें आपसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका और इसका पोटेंशियल बताइए तो आप बोलेंगे कि अगर रेजिस्टेंस अलग हुआ तो पोटेंशियल भी अलग होगा, यानी डिफरेंट होगा, ओके। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा वो अलग अलग होगा अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो, मीन्स यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा अच्छे से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अच्छा, उससे पहले ना एक बात हम देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखिए, इसमें हम अगर बात करें कभी भी कि करंट कैसे फ्लो होता है तो हम बोलते हैं ये कि अगर ये हाई पोटेंशियल हुआ और ये लो पोटेंशियल हुआ तो यहाँ पे जो करंट होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम मान लें कि इस टर्मिनल ये ए है ये बी है तो हम मानेगा कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है तो बोलेंगे वी ए,
इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, तो बोलेंगे वी बी। अगर हम इसका रेजिस्टेंस आर मान लें तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू फ्लो होने वाला करंट आई और उसका रेजिस्टेंस आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा आई आर के बराबर, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान हम रखते हैं, ये कि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब हम इसके बाद देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलेंगे अपन ना, तो ये चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहला लिखते हैं इन सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सीरीज में अभी हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस अगर ये है तो इससे दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा होगा, फिर तीसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे जुड़ा होगा, और ये तीनों रेजिस्टेंस को हम एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं, ये तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इस बैटरी का पोटेंशियल V ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 ले लेते हैं। अच्छा अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये टर्मिनल मान लीजिए A है, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है, ये टर्मिनल D है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि A से B, मतलब A से B तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 के बराबर है, B से C तक पोटेंशियल डिफरेंस V2 के बराबर है ये, और C से D तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 के बराबर है ये, ठीक है। इतनी बातें हम मान लेते हैं। ऐसा होगा क्योंकि देखिए ऐसा होता है इसके अंदर कि अभी हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होगा, करंट हमेशा सेम होगा, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, डिफरेंट ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम मान लेते हैं कि जो बैटरी थी, जब पूरे सर्किट को अपन कंप्लीट करते हैं तो बैटरी यहाँ पे आई करंट फ्लो करवा पाती है, ठीक है। तो देखिए करंट हमने देखा कि सेम है, मीन्स अगर हम बोलें कि R1 जो रेजिस्टेंस है यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा तो हम बोलेंगे I, जो R2 रेजिस्टेंस है यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा तब भी I, R3 रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होगा I, क्योंकि हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ये बात समझ भाई। अब चलिए इसी के बेस पे अपन यहाँ बात करते हैं कि एक बात ध्यान आपको रखनी है कि यहाँ से जो पोटेंशियल था ओवरऑल, यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल इन तीनों में डिवाइड हुआ है। इतनी बात तो है, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि बैटरी का पोटेंशियल V हो और इन तीनों का सम V से ज़्यादा या V से कम हो। V से कम ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा इनका जो पोटेंशियल, इनके पोटेंशियल का जो सम आएगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं कि जो बैटरी का ओवरऑल पोटेंशियल है V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के, ओके। एक बात और हमें पता है, V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे V1 की, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आई आई आर वन, तो लिखेंगे आई आर वन। V2 की वैल्यू आएगी आई आर टू, लिखेंगे आई आर टू। V3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई आर थ्री, तो ये आएगी आई आर थ्री। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आई हैं वही हम उठा के यहाँ रख देते हैं, बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो V है वो होगा आई आर इक्विवेलेंट के, आई आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, V के प्लेस पे पुट करिए तो लिखेंगे आई
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी वन, वी वन इज आई आर वन प्लस वी टू इज आई आर टू प्लस वी थ्री इज आई आर थ्री, ये आ गया। आई सब में से कॉमन ले लेते हैं तो आई आर इक्विवेलेंट बराबर बनेगा आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्योंकि हमने सब में से आई कॉमन ले लिया है, आई से आई कैंसिल हो गया, अब बना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के सम के बराबर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो आर इक्विवेलेंट आने वाला है वो होता है आर वन प्लस आर टू और आर थ्री, इन तीनों के सम के बराबर। मीन्स हमेशा रेजिस्टेंस इसी तरीके से निकालेंगे जब भी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया आर इक्विवेलेंट। और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर इक्विवेलेंट निकालना ही। अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ना तो हमारा आगे का जो न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाता है इजी वे में, ठीक। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमने देखा था कि आर इक्विवेलेंट जो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे, ठीक है, ये होता है। अगर हम मान लें, देखिए यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस को जब हमने सीरीज में जोड़ा था तो आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के बराबर आया था। लेकिन अगर हम बोले ये कि हमारे पास एन रजिस्टर हों और सभी के सभी कंबाइन हों सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश डैश, ये आएगा आर एन के सम के बराबर। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मेमोराइज आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो फिर उनके कुछ लॉज होते हैं या फिर उनमें कुछ ऐसे बोले प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो देखें क्या है। हम इसमें सबसे फर्स्ट बात देखें कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट सेम होता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा था कि जो यहाँ पे V होता है इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग होता है यहाँ पे। तो हम बोलते हैं अगर जैसे V1 लिखें तो हम लिखेंगे आई आर वन, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अगर हमें V2 लिखना हुआ तो हम लिखेंगे आई आर टू, V3 लिखना हुआ तो लिखेंगे आई आर थ्री। अब यहाँ पे सब में देखिए I सेम है, मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे जब I सब में कॉन्स्टेंट है मीन्स V इज डायरेक्ट, देखिए ये भी कॉन्स्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, या उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ध्यान आ गया ये बात, वही बात यहाँ बोली गई है कि इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा कि R इक्विवेलेंट निकालना हो तो सभी रेजिस्टेंस का सम कर दीजिए, R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके। नेक्स्ट यहां बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आता है उसकी वैल्यू बड़े से भी बड़ी होगी, ठीक है। चलिए तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और खैर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और तीनों के तीनों एक जगह जाके मीट करेंगे। ठीक है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, या मतलब दोनों एंड्स जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे सबका होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इस तरीके का कभी कॉम्बिनेशन दिखता है कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से जुड़ा हो, दूसरा एंड दूसरी एंड से जुड़ा हो और दूसरे का भी वहीं पे हो, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका आर टू और इसका आर थ्री है। ठीक है, इसको एक बैटरी के थ्रू हम जोड़ देते हैं। अब बैटरी के थ्रू जब जोड़ेंगे तो सर्किट कंप्लीट होने के कारण इसमें से करंट फ्लो होगा, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, तो करंट मान लेते हैं I फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि करंट जो मिलेगा पूरे सर्किट को वो I ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी करंट I ही होगा। ठीक है, ऐसे मतलब अगर I गया तो ओवरऑल I यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि बीच में हुआ क्या है, बीच में कुछ तो हुआ होगा, वही चीज़ें हमें देखनी है। देखिए हम यहाँ पे समझें इस बात को कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम, रेजिस्टेंस चाहे इक्वल हो या फिर चाहे डिफरेंट हो लेकिन पोटेंशियल उनका सेम होगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें करेंट की, तो करंट होता है डिफरेंट, मतलब अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा, मींस करंट होगा डिफरेंट। ये बात समझ में आई। अब देखिए कॉम्बिनेशन करते वक्त हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि अब जो चीज़ें डिफरेंट हो उन्हीं के साथ हम वर्क करते हैं, मींस हम पोटेंशियल के साथ कोई वर्क नहीं करने वाले हैं, हम जो भी काम करेंगे वो करंट के साथ ही करेंगे क्योंकि करंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा आई यहाँ से निकल के गया, यहाँ भी आई था लेकिन जैसे ही अब इस पोर्शन पे आया है तो इसे तीन रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, अब ये करंट बट जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस में आई वन करंट फ्लो हुआ, इस रेजिस्टेंस में आई टू करंट फ्लो हुआ और इस रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो हुआ, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो तरीका है R इक्विवेलेंट निकालने का वो ये है कि हमने देखा कि जो I करंट हमने प्रोवाइड किया था वही I करंट I1, I2 और I3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, मतलब इस इतने पार्ट में ये बट गया था I। तो अब यहाँ पे सब सारी चीज़ें निकल गई कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि I इज इक्वल्स टू होता है V/R, I का फॉर्मूला होता है V/R। तो अगर हम यहाँ पे निकालें I1 तो I1 आएगा क्या? अच्छा, सबसे पहले एक बात और है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, इस रेजिस्टेंस का भी V होगा और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम होता है, मतलब रेजिस्टेंस चाहे कैसा भी हो लेकिन उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखें कि अगर हमें I1 कैलकुलेट करना हो तो ये होगा V/R1, तो हम लिखेंगे V/R1। अगर हमें I2 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे V/R2, यहाँ पे V/R2। उसी तरीके से अगर हमें I3 की ज़रूरत पड़ी तो हम लिखेंगे V/R3। ये भी बात समझ में आ गई। अब सारे डाटाज को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि जो I की वैल्यू होगी वो होगी V/R इक्विवेलेंट के बराबर। अब सारा डाटा यहाँ पुट करिए, तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, I के प्लेस पे हम लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू I1 के प्लेस पे लिखेंगे V/R1,
आई टू के प्लेस पे लिखेंगे वी अपॉन आर टू, आई थ्री के प्लेस पे पुट करेंगे वी अपॉन आर थ्री, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए सब में से v कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू v, सब में से कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब आएगा अंदर देखो, यहाँ पे यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन r2 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन r3। ये बात समझ में आई, v से v कैंसिल हो गया, आया क्या 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई आर इक्विवेलेंट कैसे निकल के आया और निकालने का तरीका समझ में आया ना। इसी तरीके से हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो यही रूल होता है इसका, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए क्या जाना ही है, अपन जब ट्वेल्थ क्लास में एंटर करेंगे तो वहाँ पे जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा ना, मीन्स एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर के अंदर आप सेम तरीके से चीज़ें करने वाले हैं। आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो वो फ्यूचर में उसी तरीके से काम आएगी जिस तरीके से यहाँ काम आने वाली है, इसीलिए आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक स्पेशल केस, ठीक है। इस स्पेशल केस में हमें ये दिया गया है कि दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और दोनों को पैरेलली कंबाइन किया गया है, एक ये रेजिस्टेंस दूसरा ये रेजिस्टेंस, दोनों को पैरेलली कंबाइन कर दिए और इनको हमने एक बैटरी के थ्रू यहाँ पे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V है, रेजिस्टेंस इसका R1, इसका रेजिस्टेंस R2, यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो I, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो करंट भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम इसका I1 मान लेते हैं, इसका I2, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस का सेम होता है और वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा और इसका भी V होगा। बात समझ में आ रही है। आगे अब देखते हैं कि देखिए हमें इसमें बताना क्या है कि I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है और ये हम डायरेक्टली लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये जब हमारा फाइनल आएगा तो ये हम डायरेक्ट लर्न कर लेंगे कि कैसे क्या होगा। मतलब देखते ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और इसका आंसर दे देना है कि I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एकदम अच्छे से देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकलता था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो देखिए एलसीएम आएगा R1 R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, R1 से R1 कैंसिल, R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 से R2 कैंसिल, R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे आने वाला है R2 और यहाँ पे आ जाएगा R1, ये आएगा। तो देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे आया है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो हमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट थोड़े चाहिए, हमें तो चाहिए R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर आएगा, देखिए जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, मीन्स ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट तो निकल के आ गया। देखिए अगर हमें I1 I2 कैलकुलेट करना है तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए और वो है I, कि अगर I की वैल्यू हमें मिल जाती है उसके बाद ही हम R1 सॉरी I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे I, तो I इज इक्वल्स टू होता है V सॉरी I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होता है। अच्छा यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है,
आई की वैल्यू मिल जाएगी और आई की वैल्यू गिवेन होगी, उसके बाद ही हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और निकालने को तो हम निकाल ही लेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी भी गिवेन है, आर इक्विवेलेंट तो मिल गया, तो हमें आई की वैल्यू मिल गई। अब देखिए आई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हमें निकालना है आई वन आई टू की वैल्यू। तो देखिए आई वन आई टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें कि आई वन हमें चाहिए तो आई वन बराबर होगा वी अपॉन आर वन, ठीक है। अगर हम बोलें कि हमें आई टू चाहिए तो हमें देखना होगा वी अपॉन आर टू, ये देखना होगा, क्योंकि आई वन बराबर वी अपॉन आर वन, आई टू बराबर वी अपॉन आर टू, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें आई वन की वैल्यू अभी नहीं मिली, अभी क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमें देखिए दिया तो होगा, अगर ये दिया होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे, तो हमें इसको रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भी उठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये सिंगली V था तो हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन वन, तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर, ऐसे। तो ये पोर्शन तो ऊपर चला जाएगा, तो V अपॉन बन जाएगा R1 प्लस R2, और नीचे बचेगा R1 R2, नीचे ये बचेगा क्योंकि इसका वन से मल्टीप्लाई किए तो R1 R2 बच गया। अब हमें यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो V की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो V बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R1 R2 अपॉन, ठीक है, आई में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर वन आर टू अपॉन ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, मीन्स आर वन प्लस आर टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये वी निकल गया ना, वी को यहाँ पुट करिए, तो पुट जब करेंगे तो आई वन बराबर आएगा, वी के प्लेस पे पुट करें तो आई आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ये तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए R1 भी गिवेन है, तो नीचे R1, तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो I1 बराबर आ गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I, ये आ गया। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I, ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है I2 की वैल्यू, तो I2 is equals to V, और V किधर गया, V ये रहा, तो हम लिखेंगे I R1 R2 upon R1 plus R2 ये लिखेंगे into, अब देखिए into में हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे क्या दिया है R2, तो हमें लिखना पड़ेगा R2, R2 से R2 cancel हो गया, तो I2 की वैल्यू आ गई R1, देखिए बचा कितने, R1 अपॉन R1 प्लस R2 ये बच गया, इनटू बच गया I, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 की वैल्यू आ गई R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। अब चीजों को समझते हैं डायरेक्टली, देखिए अगर हमें I1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी हुई तो I1 की वैल्यू क्या होगी R2, देखिए कैसे करेंगे, अगर मुझे I1 चाहिए तो मैं R2 के पास जाऊंगा, तो लिखूंगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब I1 जब लिखेंगे, देखिए R1 प्लस R2 तो कॉमन है, R1 प्लस R2 दोनों में कॉमन है, अलग क्या है R2 और R1, I भी कॉमन है, तो हम यहाँ पे I लिख देंगे इंटू आई, ठीक है। तो I1 निकालना था तो ऊपर R2, नीचे R1 प्लस R2 इंटू आई। अब आप खुद बताइए अपने तरफ से कि अगर हमें I2 की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या लिखेंगे, तो I2 की वैल्यू निकालनी हुई तो लिखूंगे I2 is equals to, अब देखिए I2 तो ये R1 ऊपर रहेगा, मीन्स R1 upon R1 plus R2 into I, तो याद करने का तरीका पता चल गया, कैसे याद रखेंगे, अगर ये निकालना हुआ तो ये अपॉन इनका सम into I, ये निकालना हुआ तो ये अपॉन इनका सम इनटू आई, इस तरीके से हम निकालेंगे और डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी दो रेजिस्टेंस दिया हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो
आई दिया हो, वी दिया हो, सारा डाटा गिवेन हो और हमसे पूछे डायरेक्टली आई वन आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको और डायरेक्टली कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो बैटरी हमें दिया था उसका पोटेंशियल वी था, ये रेजिस्टेंस आर वन, ये रेजिस्टेंस आर टू, यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, यहाँ से करंट पास हुआ आई वन, यहाँ से करंट पास हुआ आई टू। अब देखिए हम जब आई वन निकाल चुके होंगे, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी होंगी, देखिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट कुछ डाटा अगर गिवेन ना हो, इनसफिशियंट डाटा हो तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली करने का ये तरीका है यहाँ पे कि अगर हमें आई वन निकालना हुआ तो हम देखिए, अगर आई वन निकालना हुआ तो I1 कहाँ से पास हो रहा है, R1 से, तो हम R2 की तरफ देखेंगे। I1 निकालना हुआ तो हम R2 की तरफ देखेंगे तो R2 आएगा ऊपर, नीचे दोनों का सम कर देंगे, मीन्स R1 प्लस R2 कर देंगे, फिर इनटू ये करंट, ओवरऑल करंट या होल करंट कर देंगे। ठीक है, अगर उसी तरीके से I2 हमें कैलकुलेट करना हुआ, मीन्स ये कैलकुलेट करना हुआ तो ऊपर ये जाएगा, मीन्स ऊपर आएगा R1, नीचे आएगा R1 प्लस R2 इनटू आई। ठीक है, अच्छे से एकदम ध्यान रखिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है या क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अभी हमने देखा था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे पोटेंशियल सेम होता है हर रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल करेंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा था कि आई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर, मीन्स अगर रेजिस्टेंस अलग, देखिए ये तो सब में सेम हुआ, मीन्स अगर निकालें आई वन तो लिखेंगे वी अपॉन आर वन, लिखना हुआ आई टू तो लिखेंगे वी अपॉन आर टू, तो देखिए पोटेंशियल तो सब में सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उस रेजिस्टेंस से करंट कम फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो उससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस ले लें जैसे आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, जब सभी का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, मीन्स आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट आने वाला है ना, वो इनमें से जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी छोटा आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनकी वैल्यू में जो छोटा सबसे वैल्यू रहेगा उससे भी छोटा आने वाला है। बात समझ में आ रही है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात और देख लें, मान लीजिए कि हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1, R2, R3 से लेके Rn तक, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है और वहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे, मीन्स हम बोलेंगे कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन Rn। ठीक है, मतलब इनके सम के बराबर आएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, अब इस पे बेस्ड हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं आर इक्विवेलेंट, उसके बाद हम बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। चलिए अच्छे से समझिएगा, हमें बोल रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का आर इक्विवेलेंट बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कुछ इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये दोनों के दोनों फिर से जुड़े हुए हैं इनसे,
ऐसे, ठीक है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आर ए बी की वैल्यू, मीन्स आर और ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं आर ए बी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए तरीका देखते हैं इसमें। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि यार ये और ये जो दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये अंदर से आवाज़ आएगी कि ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों के दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल जहाँ पे है, दूसरे वाले का भी दूसरा एक टर्मिनल वहीं पे है, इसका जहाँ है दूसरे वाले का भी वहीं है, मीन्स ये दोनों के दोनों पैरेलली कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोल दें इसको R1, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो R1, तो हम बोलेंगे 1/R1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही चलता है, ठीक है। 1/R1 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1/2, मतलब 1/ जो भी ये, प्लस 1/ ये आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1+1, मीन्स आएगा 2/2, मीन्स आएगा 1, तो ये आ गया 1/R1। 1/R1 की वैल्यू आ गई है 1, मीन्स R1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम के बराबर, ठीक है। अब इन दो, देखिए इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आया है वो R1 है और इसकी वैल्यू 1 ओम के बराबर है। अब इन दोनों के बीच का R इक्विवेलेंट जो है उसको हम मान लेते हैं R2 के बराबर, तो यहाँ से आने वाला है 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 3 1 3, तो 1+1 मीन्स आएगा 2/3, तो ये आ गया R1/R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू मीन्स अगर इसको अपन पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, मीन्स R2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ओम के बराबर, ठीक है। अब दोनों मिल गए। अब देखिए इन दोनों का R इक्विवेलेंट 3/2 है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट ओम 1 ओम है। अब इन दोनों को हम फिर से बना रहे हैं, तो जब फिर से बनाएंगे तो ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बनाए, ये दोनों मिलके भी एक रेजिस्टेंस बनाए, ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है। ए देखिए ये वाला 1 ओम आया था और ये वाला आया था 3/2 ओम, यानी कि 1.5 ओम, यही आया था। अब देखिए हमें फाइनली कहाँ पहुँचना है, ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। आप खुद सोच के बताइए कि क्या ये और ये सीरीज में नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट आता है आर ए बी इज इक्वल्स टू R1+R2, मीन्स ये R1 है, ये R2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1+R2, मीन्स ये आ जाएगा 1+1.5, मीन्स आ जाएगा 2.5 ओम। ये फाइनल आंसर है। तो निकालने का तरीका समझ में आया कि किस तरीके से R इक्विवेलेंट निकलेगा? ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड में हमें निकालना है ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट। तो देखिए समझते कैसे हैं, इसमें एक क्वेश्चन करते वक्त हमें पकड़ना होगा सबसे ऐसा पॉइंट जहां से क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो देखिए अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस, मतलब ये और ये, एक दूसरे के पैरेलली हैं, क्योंकि इसका टर्मिनल यहाँ पे है तो इसका भी टर्मिनल यहाँ है, इसका टर्मिनल यहाँ है तो इसका भी यहीं पे है, तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलली। तो अब अगर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालें तो ये आएगा कितना, 1/R1 मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 1/6+1/6, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ से 6 1 6, तो 1 1 1, प्लस 6 1 6, तो 1 1 1, मतलब 2/6, मतलब ये आ जाएगा 1/3। बात समझ में आई? तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू आई है वो आई है 3 ओम के बराबर, R1 की वैल्यू आई है 3 ओम के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसका तो काम हो गया, इसका हो गया काम। अब देखिए इसको हम फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं इन दोनों को कंबाइन करके।
इस इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक रेजिस्टेंस अपन ऐसे बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ठीक है, अब देखिए एक तो ये बन गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ आइए, फिर ये रहा यहाँ पे, तो ये है 3 ओम के बराबर। फिर से अब यहाँ से ये टर्मिनल देखिए, ये आया है ये ऐसे, मीन्स ये जो एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब एक रेजिस्टेंस जैसे ही बनेगा ऐसे, फिर ऐसे दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ गया, तीसरा वाला रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है इस तरीके से, और ये ऐसे है, तो ये ए है, ये बी है, ये 2.5 है, ऐसा कुछ है इसी तरीके से। अब देखिए इसमें जोड़ते वक्त ना आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे, पहले आप जोड़ेंगे इन दोनों को। तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक नया आर इक्विवेलेंट आएगा जिसको हम बोल सकते हैं R2। और देखिए ये दोनों भी पैरेलली ही हैं, तो दोनों पैरेलली हैं तो अपन बोलेंगे 1 upon R2 = 1/3 + 1/3, दोनों का LCM आएगा 3, तो 3 × 3 = 3, तो 1 + 1, ये देखिए 3 × 3 = 3, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/R2, 1/R2 की वैल्यू आ गई 2/3 आ गया। तो अगर इसको पलटें तो ये भी पलटेगा, मीन्स R2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, मीन्स 1.5 ओम आ गया। अब देखिए जब दोनों को हमने मिलाया तो एक नया रेजिस्टेंस बना, और उस नए रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो है 1.5 ओम। अब देखिए दोनों को मिला के ये बन गया ये वाला टर्मिनल, जैसे ये ऐसे, तो ये बन गया। अब इसको जब ये, तो ये वाला टर्मिनल ए हो गया। अब देखिए इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है 2.5, मतलब एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है जिसका रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, और ये पॉइंट हो गया बी। अब हमें निकालना है आर ए बी, तो आर ए बी जो होगा, हम मान देखिए अभी हमने देखा ये आर टू है, मीन्स ये यहाँ पे आर वन तो ये था, मिल गया, अच्छा छोड़िए वो सब। देखिए अब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो सीरीज में जुड़ता कैसे है, इन दोनों का सम, तो हम कर देंगे 1.5 + 2.5, आ कितना गया 4 ओम के बराबर, मीन्स ये आंसर आ गया। जो ये रेजिस्टेंस है इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड, चलिए देखिए थर्ड कैसे दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये हम कहीं से भी टच कर लें, बट कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इजी पोर्शन बने। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए ड्रॉ करके देखिए। तो देखिए एक रेजिस्टेंस तो ये है, तो हम इसको देखिए, लेकिन ये ऐसे इसका, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है बट दूसरा टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ रहा है, तो दूसरे का भी एक ही टर्मिनल जुड़ रहा है, और फिर दूसरे का तीसरे से तो एक ही टर्मिनल जुड़ रहा है, मीन्स ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। ठीक है, अगर सीरीज में है तो वो ड्रॉ करने से पहले देख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। R1 मान लेते हैं, इन तीनों को मिला के R1 = इसका आर इक्विवेलेंट R1 = सीरीज में होता है ये प्लस ये प्लस ये, मतलब डायरेक्टली ऐड करते हैं, मीन्स 5 + 5 + 5, मीन्स आ गया ये 15 ओम के बराबर, मीन्स इन तीनों का जो आर इक्विवेलेंट आया है वो R1 के बराबर है, वो आ गया 15 ओम के बराबर। अब यहाँ पे भी देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस भी ऐसे ही जुड़े हैं कि इसका एक टर्मिनल यहाँ, तो दूसरा दूसरे से जुड़ा है और दूसरा तीसरे से जुड़ा है, मतलब ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इसका हम मान लेते हैं R2 के बराबर, और R2 बराबर हो जाएगा ये प्लस ये प्लस ये, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होता है, तो ये भी आ गया 15 ओम के बराबर। ठीक है, तो देखिए दो रेजिस्टेंस बना, एक R1 दूसरा R2। अब देखिए कैसे इनको बनाएंगे, इनको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि ए टर्मिनल ऐसे ही रहने दीजिए ए। अब देखिए ए टर्मिनल से एक इधर गया है और एक नीचे की तरफ, मतलब देखिए दो ब्रांचेस गई हैं, तो एक ब्रांच इधर मान लेते हैं और दूसरी ब्रांच इधर मान लेते हैं, मतलब ये। अब एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा। अब देखिए यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, दोनों रेजिस्टेंस का
दोनों टर्मिनल एक ही एंड पे हैं, मतलब इन दोनों का अगेन जो टर्मिनल है वो एक ही जगह है, ये ए पॉइंट तो ये बी पॉइंट। अब देखिए जो इसका है मीन्स ये आर वन है, ये आर वन है और इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, ये आर टू है इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब हमें निकालना है आर ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है 1 upon R A B = 1 upon R1 plus 1 upon R2 = हम लिख सकते हैं 1 upon R1, R1 के प्लेस पे हम 15 प्लस 1 अपॉन R2 के प्लेस पे भी 15 ही लिखेंगे, दोनों का LCM आएगा 15, तो 15 बन जाए 15 प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/15 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 upon RAB की वैल्यू आ गई है 2/15 के बराबर, तो RAB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/2 मीन्स 7.5 ओम, मीन्स इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 7.5 ओम के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसे R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो निकालना इतना सीख गए, कुछ और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जो हमने फर्स्ट बताया था आपको उसी की तरह है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। तो आप देखिएगा ध्यान से किसको करेंगे कैसे। तो देखिए इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों का टर्मिनल देखिए ऐसे है, मतलब ये कुछ कॉम्प्लिकेटिव टाइप का है। अगर यहाँ से देखें तो ये भी कॉम्प्लिकेटिव टाइप का है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसका देखिए इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है, लेकिन दूसरे टर्मिनल से एक और रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है और उसका भी दूसरा टर्मिनल कहीं और है, मतलब ये और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो जब सीरीज में है तो इसको हम मान लेते हैं R1, तो R1 बराबर आप खुद सोच के बताइए क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सम होता है, मतलब जितने रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका सम R इक्विवेलेंट के बराबर आता है और उसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2+2 के बराबर, मतलब आ जाएगा 4 ओम, ठीक। अब देखिए हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो R इक्विवेलेंट आया वो 4 ओम के बराबर आया है, और ये दोनों मिला के ना एक सिंगल रेजिस्टेंस बना है, मतलब हम इसको अब हटा दें और हटाने के बाद हम एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दें, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम के बराबर होगा, कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका इस वाले रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है और इस वाले रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का देखिए एक टर्मिनल यहाँ है और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है, मतलब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू ऐड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब हम देखें कि इसको मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट R2 के बराबर है, और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें लिखना पड़ेगा 1 upon R2 = ये और ये, तो हम लिखेंगे 1/4, मतलब ये प्लस 1/ ये मीन्स 1/2 आया, दोनों का LCM आ गया 4, तो 4 × 1 = 4, तो 1+2 = 4 मीन्स 2 × 2 = 2, तो ये आ गया 3/4 मीन्स ये 1/R2 की वैल्यू आई है, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 ओम के बराबर। तो यहाँ पे अभी तक देखो कि R2 जो नया R इक्विवेलेंट आया है उस वो 4/3 आया है, और यहाँ पे देखिए दोनों को कंबाइन करने के बाद अगेन एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, और जब नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ तो इसको हम हटा दें, हटाने के बाद जो नया रेजिस्टेंस बना है वो R2 के बराबर है, और दोनों को आप ऐसे ऐड कर दो, ठीक हो, ऐड किए तो यह आ गया 4/3 ओम। अब देखिए ध्यान से,
इसका एक टर्मिनल इस रेजिस्टेंस का यहाँ है जो दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा है, और फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल कहीं और है और वो जाके थर्ड वाले से जुड़ा है। मीन्स ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ऐड हुए हैं, ठीक है। मतलब इनका ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब हम मान लेते हैं कि इनका आर इक्विवेलेंट मानना क्या है, आर ए बी के बराबर आएगा, तो हम लिखेंगे आर ए बी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो ये 2 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस 2 ओम ये आ गया। इसका एलसीएम ले 3 आएगा अपॉन 1 अपॉन 1, तो 1 3 टाइम, तो 3 टू जा 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 3 टू जा 6, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 3। तो ये देखिए आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 3 ओम के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हमने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी देखा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे कि इसको हम कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देखिए यहाँ से चले तो यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, तीन साइड्स दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो इनको जोड़ना थोड़ा अभी टफ लग रहा है क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी थोड़ा टफ है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, देखिए इसके इसका एक टर्मिनल यहाँ है और वो दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा है, मतलब ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो इनको हम मान लेते हैं आर वन के बराबर, और आर वन कितना आ जाएगा 5 + 5, मीन्स 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम, मीन्स ये दोनों मिलके 10 ओम का रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें, हटा के यहाँ पे अब हम ऐसे 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिएगा इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहीं पे है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी यहीं पे है, मीन्स ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और इनको हम मान लेते हैं आर टू के बराबर, और आर टू की वैल्यू जब भी निकालनी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें लिखना पड़ेगा 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 वन ज़ा 10 तो ये 1, 5 टू ज़ा 10 तो 2 वन ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 = 3/10, और ये आया 1/r2 की वैल्यू, तो r2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ये आ गया। तो 10/3 ओम आ गया। अब ये पूरा मिला के आ गया 10/3। अब 10/3 देखिए, ध्यान रखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, आप अलग अलग करिएगा, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहा हूँ। अब इसको आप मिटाइए, ठीक है, मिटाने के बाद 10/3 ओम का रेजिस्टेंस आप ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 10/3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, जो ए का 5 ओम का एक टर्मिनल यहाँ है और वो दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा है, दूसरा वाला का दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो तीसरे से जुड़ा है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे आर ए बी इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, मतलब 10/3 प्लस 5 ये, एलसीएम आएगा 3, तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 तो ये 10 प्लस 15 ये आ गया, तो ये आ गया 40/3 ओम, मतलब आर ए बी की वैल्यू आ गई है 40/3 ओम, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान से हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने और इसमें हमें निकालना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। निकालेंगे कैसे, ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ के एक बना लीजिए रेजिस्टेंस, फिर क्या करिए, देखिए ये
और ये टर्मिनल यहाँ पे देखिए, इसमें ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस देखिए, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है लेकिन दूसरा कहीं और है, इसका भी दूसरा कहीं और है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक सीरीज में है। सीरीज में जब ये ऐड करेंगे दोनों को तो एक 40 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा और 40 ओम का रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से। अब देखिए इसका और इसका, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है, इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ है, इसका भी दूसरा टर्मिनल यहाँ है, ठीक है। तो अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालिए इन दोनों का, और जैसे ही दोनों का आर इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे तो यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा जिसे आप ऐसे ऐड कर देंगे। तो देखिए सब कुछ हो गया, हमें निकालना ए और बी के बीच का है, इन दोनों को जोड़ के आप एक रेजिस्टेंस ऐसे बना दिए, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए यहाँ से आप जोड़ना शुरू करिए, यहाँ से आपको पहुँचना है यहाँ तक। तो देखिए इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा है, इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा है, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, एक सीरीज में है। तो ये तीनों जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस बना देंगे। तो इस रेजिस्टेंस का जो एक रेजिस्टेंस नया बना है उसका एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है, तो जो फाइनल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये रेजिस्टेंस फाइनल बन गया। तो एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, हमें बताना है आर ए बी की वैल्यू। तो देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ, इसका एक टर्मिनल यहाँ, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ, तो ये दोनों के दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो पैरेलली अब इनको ऐड करेंगे तो हमें आर ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, कभी भी क्वेश्चन आता है अगर आपसे आर इक्विवेलेंट निकालना क्यों, तो हम इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। और आप इतना उम्मीद रखिएगा कि आपके सिलेबस तक इससे ऊपर आर इक्विवेलेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे नीचे ही रहेगा लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, कमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए तो आज हमने ये देखा अपने पार्ट में, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और वहाँ से हम निकालना सीखेंगे पोटेंशियल, करंट, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो आपका है वो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए।